नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अपना। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कल चुनाव आयोग करने वाला है, यानी कि 16 मार्च से आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और लोकसभा चुनावों की तारीखें भी पूरे तरीके से लोगों के सामने आ जाएंगी। लेकिन चुनाव की तारीखों से पहले ही सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे, वहीं इंडिया गठबंधन क्या करेगा ये भी देखने वाली बात है। अब कहा यह जाता है कि अगर आपको दिल्ली तक का सफर तय करना है तो उसका रास्ता लोकसभा में यूपी से होकर जाता है, क्योंकि यूपी लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की बात की जाए और बात हॉट सीट आजमगढ़ लोकसभा सीट की ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। दरअसल आजमगढ़ की लोकसभा सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम या यादव समुदाय के लोग ही चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। ये आजमगढ़ अखिलेश यादव का गढ़ भी माना जाता है। लेकिन फिलहाल इस सीट पर मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मोदी लहर के बावजूद अखिलेश यादव से करारी शिकस्त मिली थी। लेकिन साल 2022 में जब उपचुनाव हुए तो अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ गए और वहां से उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन जब फिर लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव को सीट छोड़नी पड़ी तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ यहां से सीट जीतने में कामयाब रहे। अब बड़ी बात यह है कि इस सीट के इतिहास के बारे में भी बात कर ही ली जाए। दरअसल आजमगढ़ सांसद यादव या मुस्लिम को ही हमेशा बनाता रहा है। इस लोकसभा सीट से 1989 में यादव या मुस्लिम ही जीतते चले आ रहे हैं। उससे पहले इस सीट से यादव उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुके हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट कांग्रेस के पास पहले लोकसभा चुनाव से 1971 तक रही। वहीं इमरजेंसी के बाद इस सीट से जनता पार्टी के राम नरेश यादव ने जीत दर्ज की। उनके सीएम बनने पर 1978 में कांग्रेस की मौसीना किदवई यहां से सांसद बनी। इसके बाद जनता पार्टी सेक्युलर के चंद्रजीत यादव 1980 में अपना पटाखा फहराने में सफल रहे। 1984 कांग्रेस के संतोष सिंह इस सीट से विजय। इसके बाद इस सीट से कांग्रेस कभी जीत ही नहीं पाई। अब बड़ी बात यह है कि जब अखिलेश यादव ने 2019 में आजमगढ़ लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी, उसके बाद साल 2022 में करहल विधानसभा से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज। 2022 में उन्हें आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़नी पड़ी, जिसकी वजह से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने यहां पर जीत दर्ज। वहीं आजमगढ़ की जनसंख्या की बात की जाए तो कुल आबादी यहाँ 46,13,913 है। औसत साक्षरता दर यहाँ 70.93%। इस जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, लेकिन आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें गोपालपुर, आजमगढ़, सगरी, महनगर और मुबारकपुर हैं। अब यहाँ के जातिगत समीकरण को भी समझना बहुत जरूरी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर सपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। महनगर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ 1,00,000 से ज्यादा दलित मतदाता, 70,000 से ज्यादा यादव वोटर, राजभर और चौहान मतदाताओं की संख्या 35,000 से अधिक और मुस्लिम वोटरों की संख्या 20,000 से ज्यादा है। वहीं आजमगढ़ सदर सीट पर सबसे ज्यादा 75,000 से अधिक यादव वोटर हैं, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 60,000 के करीब। वहीं माय समीकरण की बात की जाए तो आजमगढ़ में किसी भी प्रत्याशी के लिए जीत का आधार MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण का हमेशा मत होता है। इस लोकसभा सीट पर यादव मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक, इनकी आबादी करीब 26% है। इसके बाद मुस्लिम मतदाता करीब 24% हैं। यही दोनों समाजवादी पार्टी की जीत का आधार बनते रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इस लोकसभा सीट की तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जब आजमगढ़ में उद्घाटन किया था एयरपोर्ट का, तो यहां पर उन्होंने साफ ऐलान किया कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मौका अगर आजमगढ़ की जनता देती है तो आगे आजमगढ़ के विकास के लिए वो काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ में एयरपोर्ट की सौगात देकर बीजेपी ने वोट बैंक बटोरने की कोशिश की है। साथ ही दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतार कर यादव वोटरों को भी अपनी तरफ खींचने का पूरे तरीके से प्रयास किया है। अब यादव मतदाता क्या बटेंगे, क्या अखिलेश यादव यहां से सीट पे चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ते हैं तो कहानी 2019 और 14 जैसी नहीं हो, इस बार कहानी थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही है। इस बार ये सीट एक पेंच में फंसती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि यहां से बाजी कौन मारता है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।